हरे कृष्ण सभी को। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो होई अष्टमी का व्रत होता है उसमें जो पूजा हम करते हैं तो उस पूजा में हमें क्या क्या चाहिए होता है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अवश्य ही रखनी होती है होई अष्टमी के व्रत में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो सामग्री क्या क्या होती है पूजा के लिए। उसमें आपको चाहिए होते हैं, एक तो आपको सिंगाड़े चाहिए होते हैं, सिंगाड़े के साथ साथ आपको मूली चाहिए होती है, मूली पत्तों के साथ लेनी होती है, और गन्ना रखना होता है। तो इससे ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, मूली सिंगाड़े गन्ना, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर होते हैं, मिट्टी के अंदर इनकी खेती होती है और ये खोदे जाते हैं और ऐसे निकाले जाते हैं मिट्टी में से, जड़ में से निकाले जाते हैं। तो इसलिए ये वाली जो आवश्यक चीज़ें हैं ये आपको पूजा में रखनी होती है और बहुत ज़रूरी होती है रखनी। तो ये आपको अपनी जो तैयारी होती है पूजा पाठ की कर उस दिन होई वाले व्रत की, तो उसमें ये सारा सामान आपको रखना होता है। सिंगाड़े आप कम क्वांटिटी में रख सकते हैं, मूली आप दो रखेंगे, जोड़े से रखी जाती है, गन्ना आप एक रख सकते हैं, लेकिन गन्ना पूरा होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको इमेज में दिखा रही हूँ, जैसे यहाँ शो भी कर रही हूँ, तो ये टूटा हुआ है, लेकिन आपको पूरा गन्ना रखना होता है, टूटा हुआ गन्ना नहीं रखना होता। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं और फिर आप अपनी कथा करते हैं होई माता की, जैसे आप पूजा पाठ करते हैं। अगर ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलूंगी मैं आपसे जल्द ही कोई अच्छी वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को मेरा राधे राधे।